हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको सिखाऊंगा, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। बौना फिर से चारा कातने उस चरखे पर बैठता है। दूसरे दिन जब राजा वहां पे आता है, उसे वो कमरा भी सोने से भरा हुआ दिखाई देता है। तो गाइस, ये पूरा का पूरा 8 सेकंड का ये पूरा का पूरा वॉइस ओवर है। यहाँ पे मैं आपको कंपाइलिंग बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आप सोच रहे हो कि आपको यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी बनाने, तो सबसे पहले आपको करेक्टर मेशन आना चाहिए। तो करेक्टर मेशन में 50 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद आपको कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग आना चाहिए। किस तरह स्टेजिंग करना है, यहाँ पे मैं पूरे इस वॉइस ओवर के साथ स्टेजिंग करूंगा। किस तरह मैं यहाँ पे पूरा शॉट लूंगा वो आप देखना। अगर आप नए होंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर पुराने होंगे तो बीच में कुछ मैं ऐसी बातें बताता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैंने पूरा यहाँ पे करेक्टर लेके रखा हूँ। ये सारे करेक्टर लेके रखो, इन सभी को मैं यूज करने वाला हूँ। तो बने रहना वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो आज का टॉपिक यही है जो पूरा का पूरा ये वॉइस ओवर है। बौना फिर से चारा कातने उस चरखे पर बैठता है। दूसरे दिन जब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि पहले तो मुझे चरखे का एनिमेशन बनाना था, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के रखा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये पूरे का पूरे यहाँ पे चरखे का एनिमेशन करके रखा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस इसको कंपाइल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आया पीछे, मैंने क्या करना, पहले वॉइस ओवर को कॉपी करना। अगर आप नए हो तो आपको मैं बता दूँ, वॉइस ओवर यहाँ पे वेब फॉर्मेट आता है, MP3 नहीं आता है। तो अब मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा जो मेरा ये पूरा का पूरा बीजी है, इसके अंदर जाकर मुझे काम करना है। कैसे आउटपुट निकलता है आप देखना। बीच में बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कि आपकी स्टोरी के लिए हेल्पफुल रहता है। इसके अंदर चले जाना है। पहले मैं जो ये यहाँ पे भी सिंबल है, ऊपर वाला सिंबल अलग है, तो दोनों को मैं ऐसा पकड़ के इसको दोनों को एफेक्ट कर दिया, एक ही सिंबल बना दिया। मैं सीन के अंदर जाके काम करता हूँ, जो ये सीन है इसके अंदर जाके काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ये वाला जो वॉइस ओवर है इसको मैंने कॉपी लेयर कर दिया, तो इसके अंदर चला गया। डबल क्लिक करके यहाँ से बंद करके रखता हूँ और थोड़ा बड़ा करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे ये आ जाता है, और आगे मैं यहाँ पे F5 कर देता हूँ तो आगे आ जाती है यहाँ पे। तो इतना आने के बाद जो ये वाला जो यहाँ पे अपना जो अलग सिंबल है, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके ऊपर ला सकता हूँ। इस वाली स्टोरी पे मैं पहले भी बहुत बार ट्यूटोरियल ला चुका हूँ। ऐसे में जो पूरा स्टोरी के ना छोटे छोटे शॉट लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि बौना फिर से चारा काटने लगता है, तो मुझे पहले यहाँ पे क्लोज शॉट दिखाना है। तो पहले तो मैं इसको यहाँ से जो ये इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, और यहाँ पे देखोगे इसको भी मैं ब्रेक करके रख ले। यहाँ पे मैं ब्रेक करके नहीं, इसके अंदर जाता हूँ और ये वाला जो यहाँ पे ये वाला रखा है इसको हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि मुझे जो ये दूसरा जो काटने वाला जो यहाँ पे मशीन था उसको मैं यहाँ से लाने वाला हूँ इसके साथ। तो ये मैंने पूरा सिंबल में काम किया, इसको कॉपी किया, अपने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने एक नया ले लिया, और नया ले लेने के बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे मुझे बिठाना है, थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे जो यहाँ पे शेडो दिख रही है इसकी, इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे एनिमेशन भी इसका पूरा शेडो नहीं दिखाना, वरना मुझे यहाँ पे नीचे एनिमेशन दिखाना होगा। इसको हटा दिया, खाली मुझे इतना सा दिखाना है। तो मैं यहाँ पे आया, इतना सा मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे ये इतना सा यहाँ पे हो चुका है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ऐसा। तो अब मुझे अगर क्लोज शॉट देना है, तो मैं यहाँ पे पहले लॉन्ग शॉट में इसलिए रखा हूँ ताकि अगर बीच में कभी लॉन्ग शॉट रखना है तो लॉन्ग शॉट रख सकते हैं। तो मैंने नॉर्मली पहले इतना सा रखना है ऐसा ही, तो यहाँ पे मैंने इतना सा रख दिया। क्लोज शॉट बनाना है मुझे, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बौना फिर से चारा कातने उस चरखे पर बैठता है। बौना उस मतलब बोल रहा है कि उस चरखे पर बैठता है। तो मुझे अगर लॉन्ग शॉट दिखाना है तो यहाँ से लॉन्ग शॉट दिखा सकता हूँ आराम से। तो यहाँ पे मैंने इतना दिखा देना, थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया, इसको इतना रख दिया, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे नया ले लेता हूँ। और मुझे बैक साइड से मैं इस लड़की को लाता हूँ, जो बैक साइड से यहाँ पे इसका रिएक्शन है, यहाँ पे देखोगे सब रिएक्शन हुआ है। तो मैंने इसी को कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी कर देना। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पे मैंने लड़की को यहाँ पे रख दिया। तो ये कैमरे के पास में, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे दिखेगी कैमरा के पास में। और वो जो बौना है यहाँ पे, ये मशीन थोड़ा सा दूर है, इसको तो छोटा सा करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ इतना। तो यहाँ से बौना फिर से चारा काटने, या फिर आप इस लड़की को भी छोटा सा कर सकते हैं ऐसा, पर लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ऊपर सेट करूँगा। यहाँ पे खड़ी रहेगी, और यहाँ पे ये खड़ी रहेगी ऐसा। और जो ये वाला जो सिंबल है, इस वाली लेयर को मैं ऊपर सेट करके रखता हूँ ऐसा, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने एक शॉर्ट सेट कर दिया, ये यहाँ पे सोने की चीज़ें। तो यहाँ से वो काटेगा, तो यहाँ से नॉर्मली इस तरह मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ से वो मतलब यहाँ पे नॉर्मल जो ये चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड रख लेता हूँ। यहाँ तो कंट्रोल यहाँ पे एक्स कर लेता हूँ, इसके ऊपर बना रख देता हूँ इसको भी। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दिया, और इस वाले को मैं यहाँ पे ला देता हूँ ऐसा, ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पे ये सोने की वो चीज़ काट रहा है, ठीक है। तो मैंने इतना रख लिया इसको बड़ा,
तो अब मैं यहाँ पे एडमिशन करूँगा। जो नीचे है मेरा, जो नीचे पूरा का पूरा ये बीजी है, ये वाला बीजी को मुझे एक ही पूरा का पूरा मुझे एक से एफ सिंबल बना के रखना है। तो मैंने यहाँ पे सिंबल बना दिया एक, तो इस तरह मैंने इसको सिंबल कर दिया। अगर आप नए हो तो पहले पुराने वीडियो ज़रूर देखना जो करेक्टर एडमिशन वाले वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने इतना कर दिया, तो अब मुझे यहाँ पर सेट करना काम को। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इतना मैंने कर दिया, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, बोना फिर से चारा काटने उस चरखे पर। तो यहाँ पे मैं पहले एक छोटा सा लॉन्ग शॉट देता हूँ, यहाँ पे एफसिस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने नॉर्मली क्लासिक ट्विन दे दिया वैसा ही जैसे हमेशा देता हूँ। यहाँ पे इसको ऑन किया और यहाँ पे आया, इसको थोड़ा सा नीचे किया और यहाँ से इसको ऊपर कर दिया। जल्दी जल्दी देखना मैं कैसे काम करता हूँ, छोटा सा सीन है और इस तरह हम कंपाइल करते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया 110, और 110 से आगे की तरफ हो गया। और जो ऊपर जो यहाँ पे मैन जो ये वाला है, इसको मैं थोड़ा और एक बड़ा करता हूँ 105, इस तरह 105 कर दिया और थोड़ा ऊपर की ओर कर दिया, ताकि जब ये आगे की तरफ आएगा तो ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा सा 3D टाइप का लगना चाहिए। तो मैंने इतना सा किया, थोड़ा सा ही आगे आया, और या फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ 100, इतना थोड़ा सा ऊपर कर दिया इतना। तो ये यहाँ से देखोगे इस तरह ये सामने की तरफ यूँ आ चुका है ऐसे। तो यहाँ से बोलेगा कि बोना फिर से चारा काटने उस चरखे पर, उस चरखे पर बैठ जाता है। तो अब मैं यहाँ पे क्लोज शॉट देता हूँ एक, तो यहाँ पे आता हूँ, तो जो ये लड़की आप इसको हटा सकते हो, और जो ऊपर है इसको भी हटा सकते हो, और यहाँ पे जो ये चीज़ है इसको भी आप हटा सकते हो अगर हटाना चाहते हो। तो नॉर्मल मैं इसको अभी रख लेता हूँ ऐसे, और मुझे इसको बड़ा करना है। यहाँ पे आया 150, बड़ा कर दिया, क्लोज शॉट दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इतना क्लोज दे दिया ऐसा, या फिर और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 115, कंट्रोल ऑल्ट एस से स्केल का ऑप्शन आता है बड़ा करने का, तो इस तरह कर दिया। पीछे जो बीजी है इसको थोड़ा सा मैंने नीचे की तरफ इस तरफ सेट कर दिया ऐसा। तो यहाँ से देखोगे ये लॉन्ग शॉट है, और इसके बाद उस चरखे पर बैठता है, और यहाँ पे इतना कर दिया मैंने। यहाँ पे दूसरे दिन जब ये लॉन्ग शॉट था, यहाँ पे पीछे लॉन्ग शॉट उस चरखे पर बैठता है। दूसरे दिन जब राजा वहाँ, तो दूसरे दिन जब राजा वहाँ पे आता है उसे वो, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने नॉर्मली F7 कर देना, यहाँ से दूसरा शॉट आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको नीचे करके रखता हूँ, क्योंकि जो ऊपर की लगाई आप चाहो तो ऊपर ही रख सकते हैं, लेकिन ट्विन लगाने के लिए गड़बड़ हो जाता है, तो F7 कर दिया। तो मैंने यहाँ पे इसको F6 कर दिया ऐसा, और यहाँ पे इसको क्लासिक ट्विन दे दिया। और यहाँ पे कोई मतलब मैंने यहाँ पे जाके कोई सेटिंग नहीं करना है, आप चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने इसको मामूली से इसको 102 थोड़ा सा बड़ा कर दिया ऐसा। तो ऐसा करने से देखोगे तो इस तरह ये सामने की तरफ यूँ ऊपर की तरफ आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ करता हूँ, जब MOV निकलेगा तब देखना कितना सही लगेगा। तो इस तरह मैंने सामने की तरफ यूँ निकाल दिया ऐसा। तो ये हो चुका है अपना पहला सीन, और दूसरा शॉट ये वाला। और इसके बाद दूसरे दिन वो जो राजा है वो वहाँ पे आता है, तो मैंने नीचे BG ले लेना, BG की लेयर यहाँ से आगे से पीछे से कॉपी करके आगे ला दिया। और यहाँ पे मैंने कुछ भी यहाँ से पीछे वाला सीन दिखा देना, यहाँ से इतना दिखा दो या फिर इतना सा दिखा दो, या फिर मैंने इतना सा दिखा दिया। और यहाँ पे मुझे जो राजा है वो आएगा, तो इस तरह वॉक दिखाना है, तो इसका राजा का वॉक यहाँ पे हुआ है। अगर आपने वॉक साइकिल वाला वीडियो नहीं देखा तो पुराने वीडियो देखना, जो बिगिनर्स वाले वीडियो प्लेलिस्ट में जाके, तो यहाँ पे मैंने Ctrl-V कर देना। तो यहाँ पे मैं वॉक डाल देता हूँ राजा का, क्योंकि वो राजा आएगा यहाँ पे और उसके पास आके देखेगा कि यहाँ पे बहुत सारा सोना है, तो इस टाइप का स्टोरी है। तो मैंने इसको बड़ा कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे स्टोरी बोर्ड में काम नहीं करते तो नॉर्मली करते हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ऐसा, थोड़ा सा छोटा किया, इतना रख लिया ऐसा नॉर्मल सा, और थोड़ा बड़ा करता हूँ इतना, इसको इतना रख लेता हूँ ऐसा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ इतना इतना कर दिया। तो यहाँ दूसरे दिन जब राजा वहाँ पे आता है उसे, राजा वहाँ पे आता है, तो मैंने यहाँ पे राजा को यहाँ से सीन से बाहर निकाल देना, यहाँ पे आया और राजा को यहाँ पे सीन से बाहर निकाल दिया, ताकि वो दूसरी जगह खड़ा हो जाए। तो यहाँ पे आया दूसरे दिन जब राजा वहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो राजा है वो काफी स्पीड से चल रहा है, मैं नीचे बंद करके रखता हूँ। दूसरे दिन जब राजा, तो अगर मुझे लगता है कि राजा की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे राजा को यहाँ पे रख लेता हूँ, ताकि दूसरे दिन जब राजा वहाँ पे ये मेंटेन हो चुकी है स्पीड। और साथ में नीचे आओगे तो नीचे जो BG है इसको थोड़ा सा आप मूव कर सकते हो, मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे आया और थोड़ा सा इसको इस तरफ कर दिया, थोड़ा सा मैंने इस तरफ कर दिया, तो इससे क्या हुआ थोड़ा फील आएगा। राजा वहाँ पे आता है और यहाँ पे देखता है वो, F7 कर दिया, मैंने F6 किया, तो यहाँ पे F7 कर देता हूँ, पूरा मैंने ऐसा सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे F7 कर दिया। तो यहाँ पे उसे वो कमरा भी सोने से भरा नजर आता है। तो मैं पीछे वाले शॉट को, जो लॉन्ग शॉट है, इसी वाले शॉट को मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ उठाता हूँ और आगे लाता हूँ, और जो ये बंदा है ये गायब हो जाता है यहाँ पे, जो ये जो रहता है ये जादू, जो छोटा जैसा ये जो बोना टाइप का रहता है, ये गायब हो जाता है आगे जाके स्टोरी में इस तरह। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे आता है उसे वो कमरा भी सोने से भरा नजर आता है। तो अभी मुझे क्या करना है, इस चीज़ को मुझे हटा देना है, और जो ये वाला जो सारा है इनको मुझे क्या करना है, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ,
ब्रेक करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबको मैं यहाँ से, जैसे ये पार्ट है अभी पूरे को मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं करता, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं दूसरे वाले यहाँ पे आया या इस वाले पे आया, इसको मैं यहाँ पे नॉर्मल इस वाले को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक करता हूँ और सबको यहाँ पे डिलीट करता हूँ जो मेरा ये पार्ट नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। और ये पार्ट भी नहीं चाहिए, ये पार्ट भी नहीं चाहिए और ये पार्ट भी नहीं चाहिए, बाकी मुझे सारा पार्ट चाहिए, तो मैंने सबको ऐसा सेलेक्ट करके एक एफेक्ट करके पूरा एफेक्ट कर दिया और कंट्रोल सी करके कॉपी कर दिया और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे रख लूँगा ऐसा, तो यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने रख दिया ऐसा इसकी जगह, और इसको मैंने डिलीट कर दिया, हटा दिया और ये इसकी जगह यहाँ पे आ चुका है ऐसा। तो ऐसा आने के बाद थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इतना, और ये मेरा शॉट हो चुका है। तो यहाँ पे वो देखता है कि राजा की यहाँ पे सारा यहाँ पे सोने से भरा है, तो इस तरह मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, इस तरफ कर देता हूँ ऐसा, और इसको भी थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे दिखेगा उसको कि सोने से भरा सारा है। तो उस लड़की को मैं यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ, तो इतना ही करने वाला हूँ। तो यहाँ से बोलता है उसे वो कमरा भी सोने से भरा नजर आता है, तो इस तरह मैं खाली इस तरह ही दिखाऊंगा। तो अभी उसे वो कमरा भी सोने से भरा है, ठीक है, इतना कर दिया। और मैंने इसी को नॉर्मली यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया ऐसा, क्लासिक ट्विन दे दिया, और क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे आया और इसका ऐसा। आप चाहो तो अगर मान के चलो आपके पास कोई करेक्टर है बैक साइड से वो दिखा सकते हैं आप, या फिर नॉर्मली राजा का रिएक्शन है वो दिखा सकते हैं। मैंने नॉर्मली अभी आपको दिखाने के लिए ऐसा किया हूँ, तो 105 थोड़ा सा बड़ा किया हूँ, और इसके बाद इस पे आया ऊपर वाले पे 105 कर दिया और थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो ये नॉर्मली यहाँ पे देखोगे उसे वो कमरा भी इस तरह ऐसा आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा आएगा छोटा सा। तो अभी देखोगे आपने कि कितना मैंने यहाँ पे शॉट लगाया एक सीन पे, एक मेरा ये वाला शॉट है और एक मेरा ये वाला शॉट है, एक ये है, ये है, 1 2 3 4 चार काम किया हूँ। इसके बाद मैं बाहर आता हूँ, कॉपी वॉइस ओवर करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये वॉइस ओवर को बाहर रखना तभी मेरे को सुनाई देगा। ऑलरेडी यहाँ पे वॉइस ओवर है तो पेस्ट कर लेता हूँ, पर यहाँ पे मुझे एक बार देखना है कि एनिमेशन कैसा हुआ। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देखोगे एनिमेशन कैसा हुआ। यहाँ से बोना फिर से चारा कातने उस चरखे पर बैठता है। दूसरे दिन जब राजा वहां पे आता है, उसे वो कमरा भी सोने से भरा हुआ दिखाई देता है। इस तरह रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या करना, वो अब रेंडर मारने के लिए यहाँ पे जो है मूवी निकालने के लिए पहले तो इसको पब्लिक सेटिंग को सही करता हूँ। अगर आप नया वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ये पहले से होगा। तो इसके साथ मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, थोड़ा इसको बेस्ट कर दिया और यहाँ पे आया, बेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसको ओके कर दिया और यहाँ पे आया और इसको नॉर्मली जैसे हमेशा करते हैं रेंडर मार दिया। यहाँ पे सी ड्राइव यूजर डेस्कटॉप में या 1 के नाम से तो 1 के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। ये छोटा सा सीन था किस तरह मैंने यहाँ पे इस तरह उसको रखा है, कैसे मैंने कंपाइल किया छोटे छोटे सीन को। मैं हमेशा आपको प्रैक्टिस दिलाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चा भी ये काम कर सकता, मैं कोई अलग लेवल पर नहीं बताता हूँ, बट इतना काम करोगे तो आप यूट्यूब के लिए कॉन्टेंट बना सकते हो। गाइज अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको पहले बता दूँ, आपको लगेगा कि क्या मैं क्या पे मैं क्या कर रहा हूँ। आपको पुराने वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे मैं 50 से ज़्यादा करेक्टर मिशन पे वीडियो ला चुका हूँ, 100 से ज़्यादा कंपाइलिंग पे वीडियो ला चुका हूँ, तो वो वीडियो देखो तभी समझ आएगा। यहाँ पे खाली मैं प्रैक्टिस के लिए आपको ये सब दे रहा हूँ। जैसे अपने 10K सब्सक्राइब कंप्लीट होते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना, अभी 26 हुआ यहाँ पे, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये वहाँ पे मतलब दिखेगा आपको एमओवी में क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। बस थोड़ा सा वहाँ पे अटक के चलेगा वॉइस, पहले जो स्टार्टिंग का रहता है वो अटक के चलता है, बाकी वह नॉर्मली एनिमेशन वहाँ पे नज़र आ जाएगा। जब भी आप कोई स्टोरी बनाते हो यूट्यूब के लिए, जो भी स्टोरी बनाना चाहते हो, देखो छोटे छोटे एनिमेशन करने से कुछ नहीं होता है। मैं जब कंपाइलिंग बताता हूँ ना, मैं पूरा स्टोरी तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन छोटे छोटे सीन बना के आपको बस मैं एक प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ। वही चीज़ जब आप बार बार काम करते हो तो आप स्टोरी धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया नया करते रहोगे और धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस मिलता रहेगा आपको किस तरह छोटी स्टोरी बनती है। इजीली कोई भी आज के मार्केट में देखोगे कोई भी बंदा आपको वो छोटे सा स्टोरी का 10 मिनट के 8 मिनट का स्टोरी का 10,000 से 15,000 देने के लिए रेडी होता है। अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा मतलब तरीका है इस तरह की, अगर स्टोरी यूट्यूब के लिए आप बना सकते हैं तो। बाकी कोई डाउट होता ना कॉमेंट ज़रूर करना, कॉमेंट के गाइस पढ़ के मुझे पता लगता है कि आप क्या सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो, क्योंकि जब आप कॉमेंट करते हो तो आप नॉर्मली मुझे इतना पता लग जाता है कि आप मतलब कौन मतलब लगातार सीख रहे हैं। अगर उसके बाद आप मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम में तो मैं जल्दी पहचान लेता हूँ कि कौन क्या है, ठीक है। यहाँ पे 93% हो चुका है, जैसे होता है मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, थोड़ा सा वेट करना, तो इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हुआ है, तो इसको ऑन करूँगा आपको, बस थोड़ा सा पहले वॉइस ओवर अटकेगा बाकी बाद में नॉर्मल चलेगा। बोना तारा कातने उस चरखे पर बैठता है। दूसरे दिन जब राजा वहां पे आता है,
उसे वो कमरा भी सोने से भरा हुआ दिखाई देता है। छोटा सा बाराकात ने मैं यहाँ पे इसको वॉइस ओवर को बंद करता हूँ। ये छोटा सा सीन था गाइस, एक मतलब मैं बोला ना आपको कि पहले एडमिशन करके रखो, बाद में आप छोटे छोटे सीन बना सकते हो। इतना इजी काम है और इतना सही, मतलब कोई भी ये काम कर सकता है। आपने देखा कि मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल बना चुका हूँ ये छोटे छोटे टॉपिक पे। इस तरह आप काम कर सकते हो। आप देखोगे पीछे जो आप जो पीछे फायर है वो पूरा एडमिशन नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अंदर मैंने इसको लेयर को आगे नहीं किया। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसको हटा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर जाऊँगा तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा जो ये है जो पूरा पूरा का पूरा फायर का है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँगा यहाँ पे तो ये इस तरह यहाँ पे हो जाएगा ऐसा। तो पीछे अंदर देखोगे यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरी जगह हर जगह मुझे अभी देखोगे यहाँ पे पीछे यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे भी देखोगे तो इसके अंदर जाऊँगा तो अभी आगे हुआ तो अभी ये पूरा का पूरा यहाँ पे होगा। जब आप ऐसा कभी रहता है तो आप ऐसा कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे पीछे एनिमेशन होगा, पीछे यहाँ पे एनिमेशन होगा। अगर नहीं हो रहा होता तो उसको मतलब अंदर जाके देखना कि अंदर कहीं वो एक फ्रेम में तो नहीं है। फिर उसके बाद यहीं पे आके दोबारा आप यहाँ पे जब यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो वो पूछेगा कि क्या आप रिप्लेस करना चाहते हो। आप बोलोगे यस मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ तो या चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उस तरह यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाता है। और अगर आपने वो फाइल को प्रीमियर प्रो में लगाया होगा तो वहाँ पे भी वो रिप्लेस हो जाएगा, दोनों जगह वो रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह आप पूरा रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी करेक्शन रहता है उसको कर सकते हो। कभी कभार ये होता है कि जब आप रिप्लेस कर रहे होते हैं ना तो आपका प्रीमियर फाइल ओपन होता है तो प्रीमियर फाइल में गड़बड़ हो जाती है। तो मैं यही बोलता हूँ जब भी आप किसी एमओवी को रिप्लेस कर रहे होते हैं तो पहले उसको मतलब वहाँ से प्रीमियर प्रो को क्लोज करके रखो, उसके बाद ही उसको रिप्लेस करो, फिर इजीली तरीके से वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से यहाँ पे रेंडर निकाल दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि मुझे फायर इफेक्ट का किस तरह यहाँ पे बाहर आया। पहले नहीं आ रहा था बिकॉज अंदर एक ही फ्रेम था। बस गाइस यही कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो और जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो ताकि वहाँ पे कोई करेक्टर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आप इजीली वहाँ पे प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि ऐसा कोई चैनल नहीं यूट्यूब में जो आपको करेक्टर दे प्रैक्टिस करने के लिए। और कोई अगर कहता है कि मुझे ये करेक्टर दे दो वो करेक्टर दे दो, ऑलरेडी गाइस मैंने अगर 10-12 करेक्टर शेयर किए तो आप उसी में प्रैक्टिस कर सकते हो। बीजी शेयर किए तो बीजी में प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप अपना स्टोरी है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होता तो मुझसे बात कर सकते हो नॉर्मली, आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके या फिर कमेंट करके। यहाँ पे 31% हो चुका है, एक बार होने देते हैं फिर आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह ये हुआ है। फायर इफेक्ट का दिखाना था मुझे खाली, इसलिए मैंने ये फिर से किया हूँ। ठीक है, ये हो चुका है। एक बार यहाँ पे होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एमओवी निकल चुका है, इसको ऑन करता हूँ। बोना फाराकात ने उस चरखे पर बैठता है। दूसरे दिन जब राजा वहां पे आता है उसे वो कमरा भी सोने से भरा हुआ दिखाई देता है। तो देखा किस तरह ये अभी हो रहा है, पीछे देखोगे फायर इफेक्ट भी आ रहा है। तो ये सारे इफेक्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हूँ, आप डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। किस तरह ये छोटा सा सीन बनाया, इस तरह आप छोटे छोटे सीन बना सकते हैं और अपना स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। मैं यही कहता हूँ, जब आपको काम करना आता है तो आपके काम मिलता है, अगर काम नहीं आता तो नहीं मिलता है। जुगाड़ से आपको जल्दी जल्दी काम करना होगा क्योंकि टाइम इज़ मनी। अगर आप टाइम से नहीं दोगे तो पैसा नहीं बनेगा, तो टाइम से देना ज़रूरी है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही।